भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोगों ने डर को महसूस किया है। हो सकता है आपको भूत प्रेत में यकीन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी भी अपनी जिंदगी में डर ना लगा हो। भारत अलग अलग परंपराओं का देश है। यहाँ जितनी विभिन्नता देखने को मिलती है उतनी दुनिया भर में और कहीं नहीं है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, इसीलिए यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लोगों ने डर को महसूस किया है, या यूं कहें कि भारत में कई डरावनी जगह हैं। हो सकता है आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर गए हों, और अगर नहीं गए तो हम आपको बताते हैं ऐसी कुछ अजीबोगरीब डरावनी जगह के बारे में। भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट भारत की सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। यहाँ घूमने गए कई लोग वहां जाकर कुछ अलग अलग महसूस करते हैं। जंगलों के बीच बने इस फोर्ट में डर की हकीकत जानने के लिए कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ सूरज डूबने के बाद एंट्री नहीं मिलती। कुलधारा। राजस्थान में ही जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है कुलधारा। कुलधारा के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि बहुत पहले यहाँ के शासक को गांव के मुखिया की बेटी से प्रेम हो गया था, लेकिन बेटी और उसका पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में शासक ने गुस्से में आकर मुखिया पर नाजायज टैक्स लगाकर उसे परेशान किया। ये सब कुछ जानकर डर के मारे पूरा गांव सारा सामान लेकर रातों रात गायब हो गया। पूरा गांव कहां चला गया ये किसी को नहीं पता। अगर आप कुलधारा जाना चाहते हैं तो यहां भी आपको दिन में ही जाना पड़ेगा। शनिवार बाड़ा। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार बाड़ा का निर्माण 1732 में बाजीराव प्रथम के सम्मान में किया गया था। 1773 में बाजीराव पांचवें की पारिवारिक झगड़े में इस महल के गेट पर हत्या कर दी गई थी। यहां जाने वाले लोग बताते हैं कि यहां उसी शासक की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है कि काका मुझे बचा लो। इस महल में 1828 में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक नहीं बुझी, जिसमें कई लोग जलकर मर गए थे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।